डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग साइंस में एक पिछले वाला जो चैप्टर था जैव प्रक्रम, जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है, आइए फिर से हम लोग एक फिज़िक्स के चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस फिज़िक्स के चैप्टर में आपको पता है कि 10 नंबर चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए 11 नंबर चैप्टर को देखते हैं, जिसका नाम है मानोनेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है, मानोनेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें एक्चुअली हम लोग मानोनेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि हमारा नेत्र का कैसा फिगर होता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हमारा नेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। एक्चुअली हमारा नाक भी एक ज्ञानेंद्रिया है, क्योंकि कहीं सभी गंध हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कहाँ किसका गंध हो सकता है, ठीक है। वही नहीं, जब हमारे शरीर में कोई टच करता है, कोई स्पर्श करता है, तो फिर हमें ज्ञान होता है कि कोई ना कोई हमें टच कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा आँख जो है वो भी एक ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है, जिससे हम लोग कोसों दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्लियर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है। याद रहे, आप गंध को आँख बंद करके गंध आप पहचान सकते हैं, आँख बंद किए हुए हैं तो कोई आपको अगर टच करेगा तो आपको पता चल सकता है, लेकिन आँख बंद करके रंग की पहचान आप नहीं कर सकते हैं। यही इसीलिए बोला गया है कि मानव नेत्र क्या है, सबसे मूल्यवान भी है, यानी कि बहुत इसका मूल्य है मानव नेत्र का, ठीक है। जो नेत्रदान में नेत्रदान करते हैं तो बहुत ही मूल्यवान भी है। जिसका आँख खो जाता है उसकी अरबों डॉलर में एक आँख की कीमत है, इसलिए बहुत मूल्यवान भी है। और सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखा जाए, इस जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र, ये हम लोगों का टॉपिक्स है मानव नेत्र। अब ये मानव नेत्र वाला जो टॉपिक्स है, सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है यहाँ पे। मानव नेत्र का फिगर, मानव नेत्र का फिगर क्या होता है भाई? तो बिल्कुल मानव नेत्र का फिगर बिल्कुल गोलाकार संरचना जैसी होती है। इधर आगे आयरिस निकला हुआ रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और इसका बिल्कुल गोलाकार रचना होता है नेत्र गोला का। इधर नर्व सिस्टम है, ठीक है। इधर तंत्रिका तंत्र है, और आप फिगर में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एक लेंस लगा हुआ रहता है, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, ठीक है। और इस मानव नेत्र, ये जो फिगर है मानव नेत्र का फिगर है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या है। और मानव नेत्र की इस जो खाली भाग में एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काचाव द्रव, काचाव द्रव, ठीक है। और ये हम लोगों का तंत्रिका तंत्र है, और तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, हमारा ज्ञान कराता है कि हम किस वस्तु को देख पा रहे हैं। यही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसका काम है चीज़ों को देख लेना। और आगे जो लगा हुआ रहता है, ये हम लोगों को ये कहलाता है हम लोगों का पुतली, ठीक है, ये पुतली कहलाता है। और बिल्कुल लेंस आगे का भाग, ये हम लोगों को कॉर्निया है, जो उभरा हुआ भाग है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये हम लोगों का जो लेंस जो है टंगा रहता है, उसको सिलियरी पेशियां बोला जाता है, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है, जो लेंस को टांगे हुए रहता है। और दोस्तों, इस लेंस के बिल्कुल पीछे वाला पार्ट, इस वाले पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग रेटिना कहते हैं, या दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पे
किसी भी प्रतिबिंब को हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर, रेटिना पे। तो करना क्या है, एनसीईआरटी में मानव नेत्र का बिल्कुल फ्रेश डायग्राम दिया हुआ है। आप मानव नेत्र के टॉपिक्स को करने से पहले आप पहले फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट मानव नेत्र का, लिखेंगे पहला मानव नेत्र एक मानव नेत्र एक अत्यंत मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान अत्यंत मूल्यान मूल्यवान एवं सुग्राही एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी कि पहला पॉइंट क्या लिखें कि मानव नेत्र मूल्यवान भी है और सबसे सुग्राही। सुग्राही का मतलब होता है कि अगर जहां उसके साथ छेड़छाड़ किए तो उसमें ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कभी भी आँख में कुछ पड़ जाता है तो देखते हैं कि आँख पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बोला गया कि सुग्राही है। सुग्राही का मतलब कमज़ोर है, जहाँ सभी इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मूल्यवान के साथ साथ सुग्राही भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो लिखा जाए। नेक्स्ट एरो, हमारा नेत्र अद्भुत संसार, हमारा नेत्र अद्भुत संसार तथा तथा चारों ओर के दृश्य को देखने योग्य है, देखने योग्य है। जी बिल्कुल, हमारा नेत्र है जैसा कि अभी बताएं कि एक छोटा सा नेत्र हमारे बॉडी का, जो कई मील कई कोसों दूर तक के वस्तुओं को देख सकता है, जहाँ तक कि सूर्य को आप देख पा रहे हैं। सूर्य कई करोड़ मील दूर पे है, ठीक है, तो वहाँ की दूरी को भी आप देख पा रहे होंगे। किसकी सहायता से, नेत्र की सहायता से। यानी मेरा नेत्र जो है संसार का अद्भुत वस्तु है, जो किसी भी दृश्य को देखने के लिए हमें योग्य बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो देंगे। थर्ड एरो, ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा नेत्र है, हमारा नेत्र है, क्योंकि क्योंकि हम आंखें बंद करके, क्योंकि हम आंखें बंद करके स्वाद स्वाद कौमा गंध गंध कौमा ध्वनि ध्वनि और स्पर्श स्पर्श की पहचान कर सकते हैं, स्पर्श की पहचान कर सकते हैं, लेकिन लेकिन रंगों का पहचान पाना, रंगों का पहचान पाना कठिन है। जी हाँ, चलिए वही बात हम बताना चाह रहे थे कि हम जो है आंखें बंद कर करके स्वाद का पता कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। वही नहीं, आंख बंद करके हम लोग गंध को पहचान सकते हैं दोस्त, आंखें बंद कर कर हम लोग स्पर्श
स्पर्श का मतलब टच कोई करेगा तो हमको पता चल सकता है। आंखें बंद करके हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों आंखें बंद करके किसी भी रंगों को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया कौन है? हमारा आंख है। ठीक है, तो हमारा आंख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया क्यों है? क्योंकि आंखें बंद करके स्वाद, गंध, स्पर्श, ध्वनि को नहीं हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन रंग को नहीं पहचाना जा सकता है। इसलिए आंख क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है। अगर कोई पूछेगा यह सवाल आएगा कि हमारा नेत्र जो है सभी ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका आंसर यही होगा कि आंखें बंद करके हम लोग गंध, स्वाद, ध्वनि, स्पर्श की पहचान कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके रंगों को पहचान पाना बहुत ही कठिन है। और जैसा कि बताएं आप, यहाँ पे डायग्राम में क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन आप जो बनाइएगा उसमें क्लियर डायग्राम बनाइएगा एनसीईआरटी बुक से, कि यहाँ पे हमारा नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल उत्तल लेंस एकदम कैमरे की भांति होती है। कैमरे में जो सामने लेंस लगा हुआ रहता है वो भी एक उत्तल लेंस होता है, आपको जानना चाहिए। कैमरा में जिससे हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो हमारा नेत्र में भी, आँख में भी एक गॉड गिफ्टेड उत्तल लेंस होता है। भाई आप समझ रहे होंगे किस, क्या सर शीशा का रहता है? नहीं, वो एक लिक्विड का बना हुआ, प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड होता है। तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, जिसमें प्राकृतिक उत्तल लेंस लगा हुआ है, जी बिल्कुल, हम लोग वही पढ़े कि मानव नेत्र में, याद रखिएगा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जो कि एक कैमरे की भांति है। ठीक है, कैमरे में लगा हुआ उत्तल लेंस रहता है वही। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में का एक भाग है रेटिना, यानी कि एक हमारा जो नेत्र है ना उसमें एक स्थान का नाम है रेटिना। कैसे हमारा बॉडी का नाम लिखते हैं? पैर, हाथ, बाल, नाक, ये सब लिखते हैं ना, हमारा बॉडी का पार्ट्स हुआ। उसी तरीके से सिर्फ नेत्र का एक भाग है रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम किसी भी वस्तु या चीज़ को देखते हैं तो हमारा नेत्र के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो वो है रेटिना, या दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो लिखा जाए मानव नेत्र के जिस भाग पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र का एक भाग है जिसका नाम क्या है? रेटिना। और इसी रेटिना पर या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो उसके नीचे, मानव नेत्र में प्रकाश, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया जिसे
कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। जी हाँ, हमारा जो है नेत्र में सामने से प्रकाश लाइट आता है तभी तो किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो हमारे नेत्र में प्रकाश को एक बहुत ही शुरू में पतली झिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए उभरा हुआ भाग को, नेत्र के आगे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, या फिर उसको स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कॉर्निया क्या है भाई, तो आप बताएंगे कि हमारा नेत्र में प्रकाश को एक पतली झिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है, उससे ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। अब आप फिगर जब बनाइएगा तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल को बिल्कुल फ्रेश डायग्राम में दिखाइएगा कि किस भाग को हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, स्वच्छ मंडल आगे के भाग को कहा जाता है जहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरती है, और रेटिना कहाँ होता है? तो बिल्कुल इसके लेंस के अपोजिट साइड, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसके पीछे वाले भाग का नेत्र जहाँ पे रहता है, आगे वाले भाग से पीछे वाले भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं, और इसी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग अभी मानव नेत्र के बारे में कुछ पॉइंट्स को सीखे हैं। मानव नेत्र के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।